सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी भाई आज इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो भाई इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज ये जो भैंस है ये नागौर के अंदर है और भाई का नाम दयाराम, जो कि रामदेव डेयरी फार्म पे अमरपुरा के अंदर स्थित है। ये अमरपुरा गांव है भाई का। तो काफ़ी अच्छी हैवी जो हम कहेंगे भैंस, इसको पीठ पुट्ठा काफ़ी शानदार, दूसरे ब्यांत में बच्चा देने के लिए ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ये अभी तैयार है। तो आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने जो पीठ की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा, और एक अच्छी और दुधारू भैंस में ये करैक्टर्स जो पीठ के और मैं कहूँगा चमड़ी के ये काफ़ी महत्व रखते हैं। तो हम प्रयास है कि जो अभी लॉकडाउन के चलते सभी पशुपालक या किसान भाई फ्री हैं घरों के अंदर बैठे, तो हमारी वीडियोस के जरिए कुछ न कुछ सीखने को मिले और भाइयों का टाइम है वो पशुपालन से रिलेटेड वीडियो देखने में निकले। क्योंकि देखिए घर पे रहना, सभी भाई कोई डेयरी से रिलेटेड, कोई खेतीबाड़ी से, सभी कुछ न कुछ काम पे लगे हुए थे, लेकिन रेगुलरिटी से फ्री रहना भी बहुत मुश्किल है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार एनिमल हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी ये नहीं अच्छे पशु हैं, क्योंकि काफ़ी भाई होते हैं जो हरियाणा से पशु लेके जाते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी ब्रिड तैयार करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये भैंस दूसरे ब्यांत में, अभी पहले ब्यांत का जो मिल्क रिकॉर्ड है भाई ने बताया 16 किलो का, लेकिन दांतों में भरी हुई है, हो सकता है तीसरे ब्यांत में भी हो, लेकिन भाई ने दूसरे ब्यांत की बताया है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पशु को देखने के बाद हम काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और वीडियो में वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस हिसाब से भैंस दिख रही है काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की, शानदार जो अडर और थन हैं उनकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल फिट फिट के ऊपर जो एक एक फिट पर थन बोल देते हैं वो इस भैंस के बाकायदा हैं, और हाइट मीडियम है लेकिन लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। इस बार अगर पहले ब्यांत में 16 किलो दूध दिया है तो अब की बार उम्मीद है कि 19-20 किलो दूध आराम से निकाल देगी। तो देखिए जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सींगों की क्वालिटी बिल्कुल छोटे और रिंग सींग, क्योंकि जो काफ़ी जगह मुर्रा की पिक्चर देखते हैं वहाँ पर ऐसे ही जो बॉडी स्ट्रक्चर की भैंस है आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी इसने, इस जो भैंस ने दूसरी बार फीमेल काफ को जन्म दिया है, और आप देख पा रहे हैं बच्चा देने के बाद और पहले पशु में काफ़ी चेंज आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी जो ये भैंस हमें दयाराम भाई साहब ने वहाँ से वीडियो डाली और हमने आप पशुपालक भाइयों के साथ शेयर की। देखिए थन है बिल्कुल मुट्ठी के आकार का और कुछ बाई वगैरह भी है, लेकिन जो कटड़ी है वो देख पा रहे हैं आप सामने कैमरे के, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर। और इस प्रयास के अंदर आप लोग जो हमारा सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान ही नहीं, हर ज़िले के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक अच्छा मुर्रा का पशुधन हो, जिसपे हम अच्छी जो सीमन कलेक्ट करके और आने वाले टाइम में हर पशुपालक के घर एक अच्छे मिल्क लाइन की एक भैंस हो, ताकि इस महंगाई के दौर में आजकल काफ़ी चीज़ें हैं जो किसान हैं वो अप्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि कमाई के जरिए कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने आपको ये दयाराम भाई साहब की ये भैंस दिखाई, आप पशुपालक भाई ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। अब की बार दूसरी बार बच्चा दिया है, दांतों में भरी हुई है, और रेट भाई ने कहा हम फ़ोन पे ही कर लेंगे क्योंकि बेचने का विचार कम ही है, अगर अच्छी पेमेंट लगी तो। काफ़ी पशुपालक हैं जो रेट बताने के बाद भी ये बोलते हैं कि वो इतने मांग रहा है, इतने रुपए का माल है। उसी हमने एक गाय की वीडियो डाली थी, उसने 45,000 की डिमांड की थी, एक भाई ने वो गाय 15,000 की कमेंट्स के अंदर बताई, एक ने वो गाय 35-40 हज़ार रुपये तक भी सही बताई, एक भाई ने वो 45,000 रुपये में भी सही बताई। इसलिए काफ़ी बार है ना, आपकी जो विचारधारा देख के रेट बताने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जिसको लेनी है ना वो लेगा और फ़ोन भी कर लेगा। ये देखें नीचे के जो इसका सिस्टम है, बच्चा देने के बाद काफ़ी शानदार क्वालिटी, और मैं कहूँगा अगर आप लोग
अच्छे पशु रखोगे तो अच्छी ही नस्ल तैयार होगी। और चैनल के ऊपर वीडियो डालने का अर्थ यही है, काफ़ी भाई लिखते टाइम कुछ नहीं सोचते, कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी आप ही के परिवार के जो सदस्य हैं वो इस वीडियो को देखते रहते हैं, और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के आपके विचार हैं वो पब्लिक के सामने जाते हैं और आप अपने छोटी सोच को प्रकट कर रहे हो। तो सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को मंजीत यादव की तरफ से वीडियो देखने के लिए मैं कहूँगा सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, और हम प्रयास करेंगे अगली वीडियो इससे भी शानदार हो। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर पशुपालक तक पहुँचे। काफ़ी भारी आर्डर की और मीडियम हाइट है, लेकिन जितनी है उतनी अच्छी क्वालिटी की है। तो आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द हम लॉकडाउन खुलने के बाद एक से एक बिल्कुल टॉप क्वालिटी के एनिमल लेके आएंगे। और काफ़ी पशुपालक पूछते हैं क्या रेट चल रहा है, लॉकडाउन के चलते रेट का अभी कोई फिक्स नहीं है, रेट अप डाउन हो सकता है। जहाँ तक हमारा तजुर्बा है रेट डाउन आएगा। तो देखिए ये फीमेल काफ है, जो भाई वीडियो देख रहे देश विदेश में, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने घरों के अंदर रहें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।